हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बनाएंगे एक नया रेसिपी, बैंगन सरसों झाल। ठीक है, बहुत ही स्पाइसी है और बहुत ही टेस्टी। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सारे दर्शकों को एक ही अनुरोध है, वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखें और अच्छे से सरसों बैंगन झाल बनाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कैसे बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी। गरम चावल के साथ लीजिए और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। ये हमने बड़ा सा एक बैंगन ले लिए हैं और बड़ा एक टमाटर और चार हरी मिर्च और ये सरसों दाना जो हमने मिक्सी में पाउडर बना लेना है। ठीक है, ज़्यादा लिया हूँ इतना ज़रूरत नहीं है। हम पाउडर बना के उसके बाद हम स्पून से नाप के ले लेंगे। ये हमने सरसों का पाउडर बना लिए हैं। ठीक है, अच्छे से बना लीजिए। ये हमने बैंगन को चार टुकड़ों में काटे हैं। बड़ा सा बैंगन था, इसको हमने लंबा लंबा चार टुकड़ों में काटे हैं। हरी मिर्च को चीरा लगा लिए हैं, टमाटर को स्लाइस बना लिए हैं। फिर हमने ये सरसों पाउडर लिए हैं चार टेबलस्पून। फिर नमक डेढ़ चम्मच, नमक थोड़ा सा, शक्कर टेस्ट बैलेंस करेगा। ठीक है, और ये बैंगन को हमने हल्दी नमक लगा लिए हैं और इसको सरसों के तेल में फ्राई करेंगे। इसको हम सरसों के तेल से ही बनाएंगे, अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। ये हमने फ्राई करने के लिए दे दिए हैं कढ़ाई में। तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है, चीज़ी ऐसा है। ये लीजिए, हमने बैंगन फ्राई कर लिए हैं। अभी हम इसको निकाल लेंगे, एक बर्तन में इसको निकाल के रख देंगे। इधर हम ये जो सरसों का पाउडर, नमक, शक्कर और हल्दी, इसका एक ठो घोल बना लेंगे। दो तीन मिनट पहले इसको घोल बना के भिगो के रख दीजिए, वो सरसों का पाउडर फूल जाएगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। इसको हम घोल बना के रख देनी है। ठीक है, फिर ये सरसों का तेल जो बचा हुआ था उसमें हम हरी मिर्च चीरा लगा के डाल देंगे, अच्छे से भुनेंगे। और ये टमाटर, इसको हम अच्छे से भुनेंगे, पूरा लाल हो जाएगा, उसके बाद ही हम मसाला डालेंगे इसका। ये रेसिपी में टमाटर को बिना हल्दी नमक का पहले अच्छे से तेल में भून लेंगे ताकि इसका कलर, अच्छा कलर निकल आए। बहुत ही अच्छे से हम इसको तेल में भुनेंगे, पूरा गल जाए। गल गया पूरा टमाटर, गल गया और इसका कलर अच्छा आ गया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। फिर हमने वो जो घोल बनाए थे सरसों का, नमक शक्कर और हल्दी, इसको हम डाल देंगे। बहुत ही इंस्टेंट बनता है, बहुत ही इंस्टेंट झटपट बन जाता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये बना लीजिए, इतना स्वादिष्ट बनता है कि क्या बताऊँ। फिर हमने वो फ्राई किया हुआ बैंगन डाल देंगे, बहुत ही झटपट एकदम 10 मिनट में मेरा बन गया। आप भी बनाइए, इंस्टेंट इंस्टेंट एकदम झटपट बन जाता है। जो भी रेसिपी बताती हूँ, इंस्टेंट बताने की कोशिश करती हूँ, ये तो बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बन जाता है। कोई भी इसको बना सकता है और इतना टेस्टी बनता है गरम चावल के साथ, और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होता है। वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे सारे प्यारे दर्शकों से एक ही अनुरोध, एक ही रिक्वेस्ट। और ये धनिया पत्ता हमने डाल दिए हैं, अच्छे से मिला लेंगे। एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे प्यारे दर्शक मेरे हैं जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, उनको पसंद भी आता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उन सभी दर्शकों से मेरा रिक्वेस्ट है, ले लीजिए। बन गया आपका बैंगन सरसों बैंगन की झाल। इतना टेस्टी क्या बताऊँ। एक बार बनाइए, खाइए, फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मछली छोड़ देंगे इसकी जगह पे, अगर इसको आप बनाओगे तो मछली खाना भी छोड़ देंगे। ये देखिए इतना स्वादिष्ट बनता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में नया रेसिपी लेके आ जाऊँगी, बहुत ही स्वादिष्ट एक बार बनाने की रिक्वेस्ट रहा।